आज के समाचार के मुख्य प्रायोजक हैं दरभंगा किसान आनंद भोग आटा। नमस्कार, सीटीवी मिथिला में आपका स्वागत है, मैं हूं सुनील भारती। बिजली विभाग की लापरवाही ने ली एक बच्चे की जान, स्थानीय लोगों ने किया सड़क जाम। दरभंगा जिले के लहरियासराय थाना क्षेत्र के पोस्ट ऑफिस के करीब सुधा डायरी के संचालक नंद कुमार कामती के 14 वर्षीय राहुल कुमार की मौत बिजली के करंट की चपेट में आने से हो गई। हादसा तब हुआ जब दूध की गाड़ी डेयरी पर पहुंची और दूध उतारने के क्रम में डेयरी के बगल में स्ट्रीट लाइट के पोल में करंट आने से राहुल की मौत मौके पर ही हो गई। स्ट्रीट लाइट का पोल टूटकर वहां से गुजर रहे हाई टेंशन तार की अटकी, जिसके बाद स्ट्रीट लाइट के पोल करंट प्रवाहित हो गया और ये घटना घटी। स्थानीय लोगों ने आक्रोशित होकर लहरियासराय टावर से लहरियासराय स्टेशन जाने वाली सड़क को जाम कर दिया। बीच सड़क पर सबको रख बिजली विभाग की लापरवाही के खिलाफ नारेबाजी दिखाते हुए जमकर नारेबाजी की। वहीं पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा की मांग कर सड़क को जाम किया। अभी यहाँ पर जो है सो लोहे का खंभा है, इसमें स्ट्रीट लाइट लगाया हुआ है नगर निगम, और उसमें कह लीजिए कि वो बिजली विभाग का जो 440 का नंगा तार जो है उसमें बिजली प्रभावित हो रहा है, और वह जो है उसमें पूरा डायरेक्ट अभी जो है सो आंधी में सट गया है। इसको लेकर के, इस संभावना को लेकर के कई बार यहाँ के लोगों ने बिजली विभाग को आवेदन दिया था इस नंगे तार को जो है कवर वाइट से इसको काटा जाए, लेकिन यहाँ की निकम्मी जो बिजली विभाग की प्रशासन है वह एकदम माने बेसुध बनी रही। और अभी अभी जो है सो यहाँ सुधा डेयरी में जो काम करने वाला एक नौजवान था 16 साल का, वो उस पोल के संपर्क में आकर के उसकी दर्दनाक मौत हो गई है, जिसके खिलाफ यहाँ के स्थानीय लोग गुस्से में हैं और उस मौत के खिलाफ जो है पूरा रोड जाम किए हुए हैं और बिजली विभाग के पदाधिकारियों को यहाँ बुलाने की मांग कर रहे हैं। और यहाँ के स्थानीय लोगों का मांग है कि जो उनके आश्रित परिवार हैं उनको 10 लाख का मुआवजा और एक लोगों को माने सरकारी नौकरी मिले, और जो माने इसमें जिम्मेवार जो यहाँ के बिजली विभाग के पदाधिकारी हैं जेई हैं उसके ऊपर 302 का मुकदमा हो। विभाग का लापरवाही माना जाएगा। बिजली विभाग को बार बार पब्लिक के द्वारा पेटिशन दिया जाता है, उसके बावजूद भी बिजली विभाग का के तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होता है। और आज वही दुखद घटना है कि एक नौजवान लड़का, ये बार बार यहाँ के दुकानदार लोग से भी पेटिशन दिया गया लेकिन बिजली विभाग का इस पर कोई ध्यान नहीं गया, और आज जो है 14 साल का लड़का का मृत्यु हो गया। दरभंगा जिले के हायाघाट विधानसभा के जदयू विधायक अमरनाथ गामी ने अपने भतीजे संकेत का रिश्ता मधुबनी जिले के गरीब परिवार विनोद काकर की बेटी निकिता से तय कर आज ही बड़े साधारण आयोजन कर दहेज मुक्त शादी किया। लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में साधारण पंडाल में बिना आमंडर के शादी सम्पन्न हुआ। शादी में होने वाले फिजूल खर्ची को कम करने के लिए न ही बैंड बाजा की व्यवस्था की गई, न ही दर्जनों लजीज व्यंजनों की, बस मेहमान से लेकर बाराती के लिए अल्पाहार की व्यवस्था की गई थी। विवाह के सभी कार्यक्रम रस्म रिवाज को बड़े ही साधारण ढंग से मनाया गया। वर वधु ने भी आपस में एक दूसरे को गले में जयमाला डालकर नए दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की। शादी से हम ये माध्यम बने कि मेरी शादी से सबको संदेश मिल रहा है, अगर ऐसा ही शादी हुआ तो शायद कि कोई भी बेटी किसी के लिए बोझ नहीं रहेगी किसी परिवार की। बहुत खुश है। माननीय सुशील मोदी जी का बेटा का विवाह जो पहला घर में विवाह था, उस विवाह में शादी के पूर्व विवाह किए थे, दिन में भी विवाह किए थे, दहेज मुक्त विवाह किए थे। उस विवाह का अनुकरण करते हुए प्रेरणा से हम सोचे हम अपने परिवार में मिथिला में एक मैसेज दें समाज सुधार के लिए। दहेज से लोग परेशान हैं, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग इस दहेज से पिस रहा है, इसलिए एक संदेश देने के लिए एक छोटा सा प्रयास किया। मिथिलांचल में यह परंपरा तेजी से आगे बढ़े इसके लिए इन्होंने जो शुरुआत किया है इसके लिए हम लोग शुभकामना देते हैं, और शहर के लोगों को मिथिलांचल के लोगों से अनुरोध करेंगे कि वो इस परंपरा को, इस तरह के शादी को अपनाने का काम करें, और ज़रूरत भी है समाज में जो दहेज प्रथा के कारण कई तरह का पारिवारिक लोगों में तनाव उत्पन्न होता है, मामला कोर्ट कचहरी परिवार के बाहर भी जाता है और तरह तरह का प्रताड़ना होता है, इससे मुक्ति मिलेगा। एक यह आदर्श शादी है, गामी जी ने शुरुआत किया है, तो हम लोग चाहेंगे
कि आने वाला जो हमारी युवा पीढ़ी है विशेष रूप से इसको ग्रहण करने की आवश्यकता है। मधुबनी जिले के झंझारपुर के अररिया ओपी थाना क्षेत्र के शीघ्र खरिया गांव में कालाबाजारी के लिए ले जा रहे चावल से लदी पिकअप वाहन को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। काफी विलंब से पहुंची पुलिस को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। वहीं वीडियो ने गाड़ी को जब्त कर मामला दर्ज कराया है। हमारे तो गाड़ी पकड़ के ही लोग रखा था। इसके मामले में जानकारी देता आपको सरपंच वगैरह ग्रामीण वगैरह के द्वारा बोला गया था कि मैंने वरीय पदाधिकारी को बुलाइए, इसके बाद आप गाड़ी लेके जाइए। मैं अपने थाना अध्यक्ष को फोन किए कि भाई आएंगे तो वही बोल रहा है कि वरीय पदाधिकारी को बुलाइए तो आप गाड़ी लेके यहाँ से चल जाइए। यहीं पर ही करके आपको बंधक पब्लिक द्वारा बनाया जाता है। पब्लिक द्वारा कहा कि आप वरीय पदाधिकारी को बुलाइए, आप यहीं रहिए, तब लोग लाया आएगा। और मेरे साथ कोई ये नहीं कि अभद्र व्यवहार को कुछ नहीं किया, हम बैठ गए आराम से। यहाँ तो क्या पाया है? पाया कि गाड़ी जो है जो जब्त किया है लोग, यही गाड़ी को हम देखे। ज्ञात मिला था गाड़ी आपको? हाँ ज्ञात मिला, ड्राइवर खलासी फरार था। नाम आपका? हरदयाल सिंह। नाम? अररिया संग्राम मोती। क्या मामला यहाँ? मामला ये है कि अभी अनुमंडल पदाधिकारी झंझारपुर महोदय द्वारा आदेश मिला कि नवानी पंचायत में ग्रामीणों के द्वारा जो एक पिकअप वैन पे चावल से लदी बोरी, उसको ग्रामीण और यहाँ के स्थानीय सरपंच और प्रतिनिधि द्वारा जो है उनको पकड़ा गया है गाड़ी को, तो उन्हीं के आदेश पर यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पर आए देखे तो गाड़ी खड़ी थी, पहले तो ग्रामीणों ने बताया कि खलासी को पकड़ के रखे हैं, बाद में इंक्वायरी के दौरान पता चला कि खलासी भी नहीं है, वो भी भाग गए, यानी ड्राइवर और खलासी दोनों भाग गया है। गाड़ी है, गाड़ी पकड़ी गई है जिसपे चावल लदा, जिसकी सूची जब्ती सूची बनाई जा रही है, और जहां से गाड़ी जब्त हुई है लगभग 150 मीटर की दूरी पर ही एक जो जनवितरण विक्रेता है फूल कुमार शाह जो है उनका लगभग 150 मीटर की दूरी पर गाड़ी जब्त हुई है। तो प्रथम डिस्टर्ब यह प्रतीत हो रहा है कि ये जो चावल है ये हो सकता है संभवतः इनके ही जो इनको दिया गया चावल SFC का वो हो, लेकिन निरीक्षण के दौरान प्रथम डिस्टर्ब देखा गया कि जो हाथ सिलाई है तो अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि ये चावल ये जन वितरण विक्रेता का है कि ये चावल किसी बिजनेसमैन का है। इसके लिए स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, जो ड्राइवर है खलासी जो लोग यहाँ से गायब हैं उनका स्टेटमेंट लिया है, तत्काल हम लोग जो कानूनी कार्रवाई है कर रहे हैं, जब्ती सूची बनाई गई, इनका भी स्टॉक वेरिफिकेशन किया गया डीलर का, और हम लोग जब्त चावल को और गाड़ी को थाने पर ले जा रहे हैं, वहाँ पे अग्रतर कार्रवाई हम लोग थाने पर। दरभंगा प्रक्षेत्र के IG पंकज कुमार दरार ने शनिवार को कार्यालय कक्ष में मीडिया से बात करते हुए कहा कि 10 जिला की उपलब्धियों को बताया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शनिवार को विभागीय आदेशानुसार पुलिस की उपलब्धि को लेकर मीडिया के समक्ष जानकारी दी जाएगी, जिससे पब्लिक को पुलिस की कार्यशैली का पता चल सके। इसके मद्देनजर आज इस सप्ताह प्राप्त उपलब्धि वह काफी सराहनीय रहा। हालांकि इस कई जिलों को बेहतर करने की जरूरत है, जिन्होंने विशेष निर्देश दिया कि 10 जिले में कुल 922 गिरफ्तारी एक सप्ताह के अंदर की गई, जिसमें मुख्य सक्रिय अपराधी की संख्या 36, हथियार 6 कारतूस 42, जब्त वाहनों की संख्या 979, वाहनों से वसूले गए जुर्माने की राशि 10,06,050, विदेशी शराब 2,673 लीटर जब्त की गई, वहीं देसी शराब 1,862 लीटर जब्त की गई। मधेपुरा जिला में 53,650 का जाली नोट व अररिया में 102 बोतल कफ सिरप की बरामदगी की गई। वहीं उन्होंने कहा कि समस्तीपुर में यूको बैंक व पूर्णिया में बैंक के तिजोरी काटने के मामले को देखते हुए प्रत्येक जिले में जिला इंटेलिजेंसी यूनिट के कर्मियों को बैंक के सुरक्षा में भी लगाया गया है, जहां वो बैंक के अंदर ग्राहक के रूप में पॉकेटमार व लुटेरे पर पैनी नजर बनाए रखेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप चलाने वाले हो जाए सावधान।
व्हाट्सएप ग्रुप एवं व्यक्तिगत चलाने वाले पर दरभंगा पुलिस की पैनी नजर है। शुक्रवार को बिरौल थाना क्षेत्र के बेबुक खबर नामक ग्रुप पर आपत्तिजनक मैसेज को भेजा था, जिसे वरीय पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने गंभीरता से लेते हुए आपत्तिजनक मैसेज भेजने वाले युवक को गिरफ्तार कर लहरियासराय थाना पुलिस के हवाले कर दिया। वही वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ग्रुप पर किसी तरह का आपत्तिजनक संवाद या वीडियो वाले ग्रुप एडमिन एवं भेजने वाले चाहे देश के किसी भी कोने में रहेंगे, उनकी गिरफ्तारी हर हाल में होगी। उन्होंने कहा कि बिरौल से पकड़े गए युवक से पूछताछ कर वार्निंग देकर PR1 पर छोड़ा गया है। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने स्वच्छता के साथ साथ शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने का भी गुर सिखाया ग्रामीणों को। जाले प्रखंड के जोगियारा गांव में आज चला स्वच्छता अभियान। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के राष्ट्रीय सेवा योजना की टीम के द्वारा स्वच्छ भारत ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम में पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रहा है। इस कार्यक्रम का नेतृत्व अरविंद कुमार मिश्रा ने ग्रामीणों को स्वच्छता के साथ स्वस्थ और प्रतिदिन योग करने का संकल्प दिलाया। वहीं कार्यक्रम में स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग के छात्र रोहित सागर ने ग्रामीणों को योग के संदर्भ में विशेष रूप से अवगत कराया। इस मौके पर स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग के छात्र बाबुल राज गुप्ता, आदित्य सिंह, दुर्गेश कुमार पाठक, प्रशांत कुमार सिंह, राजीव रंजन, ब्रजेश कुमार एवं ग्रामवासी उपस्थित थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि पर स्थानीय स्टेशन रोड स्थित नगर भाजपा की ओर से उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की गई और 23 जून को बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। अखिल भारतीय दुसाद उत्थान परिषद दरभंगा के जिला अध्यक्ष विजय कुमार पासवान की अध्यक्षता में डाक बंगला परिषद के प्रांगण में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। मीडिया से बात करते हुए सुनीति रंजन दास ने कहा कि अखिल भारतीय दुसाद उत्थान परिषद की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। मुख्य रूप से बहादुरपुर देवली पंचायत के जो मुखिया के द्वारा 21 जून को मीडिया के माध्यम से जो अखबार में आया कि जिला परिषद अध्यक्ष पति रामलखन पासवान जी बहादुरपुर देवली पंचायत के पंचायत सेवक के ऊपर दबाव दे करके अवैध रूप से चेक कटवा के पैसे का निकासी करवाते हैं और कुछ जगहों पर पंचायती में जो सरकारी भवन है उसको भी अतिक्रमण किए हुए हैं। विभिन्न तरह की बातें उनके प्रति निकाला। हम लोगों ने अपने संघ की ओर से सर्वदलीय टीम के माध्यम से वहाँ बहादुरपुर देवली पंचायत के पंचायत सेवक से मिले। पंचायत सेवक ने हमको बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, न मैं जीत पति को जानता हूँ और न ही हमसे उनका कोई ताल्लुकात है। ये जो भी चीज़ निकाले हैं मुखिया जी, ये राजनीति प्रति द्वेष भावना से ग्रसित होकर के ये लोग जो है सो अखबार में छपवाए हैं। इसलिए आज हमारे पास अखिल भारतीय दुसाद उत्थान परिषद के बड़े कार्यकारिणी के सदस्य रामलखन पासवान जी हैं, जो जिला परिषद अध्यक्ष के पति हैं। उन पर जो बहादुरपुर देवली पंचायत के मुखिया नंदलाल ठाकुर ने जो आरोप लगाया है उसकी जांच हम लोगों ने अपने स्तर से किया है। उनकी जांच उनका जो है सो आरोप बेबुनियाद और गलत है। यहाँ कई वार्ड सदस्य आए हुए हैं और उप मुखिया भी हैं, पंचायत सचिव जिनको उन्होंने आरोप लगाया है कि अपहरण करके चेक कटाया गया है, पंचायत सचिव भी आए हुए। उन्होंने कहा कि यह गलत आरोप है, यह बेबुनियाद आरोप अनुसूचित जाति के एक प्रतिष्ठित आदमी पर लगाना गैर कानूनी काम है। हम लोग इस पर अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने पर भी विचार कर रहे हैं और प्रशासन से हम लोग इस पर जो है सो जांच कर उस पर जो है सो कार्रवाई की मांग करते हैं। हुआ हम अखिल भारतीय दुसाद उत्थान परिषद के जिला अध्यक्ष हैं। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लहरियासराय में चल रहे जमीनी विवाद को मीडिया के समक्ष केंद्र प्रभारी बीके आरती एवं पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता रवि भूषण प्रसाद ने अपने पक्ष को रखा। भूषण भाई जी हैं जो पटना से आए हैं, वह आप सभी को डिटेल से इसकी जानकारी देंगे। ओम शांति। हमारा डेट
2003 का है, हमारी दाखिल खारिज हो चुकी है, मेरी रसीद कट रही है, जिसके खिलाफ ये DCLR कोर्ट में गए थे, वहाँ से भी इनका खारिज हो गया है, और हमारा केस फाइल होने के बाद, एडमिट होने के बाद, इनको नोटिस होने के बाद, इन्होंने एक फर्जी सेल डीड बना दिया और सेल डीड में लिखा कि मुझे कोई 76-78 के टाइटल सूट से रिजिडरी पट्टी में यह दाज और हिस्से में मिला है, मगर गलती से उन्होंने उसी प्लेंट में लिख दिया कि मैं अमेरिका में रहता था इसलिए मुझे कोई दाज और हिस्सा नहीं मिला है। सेल डीड में लिखा मुझे मिला है और कोर्ट के प्लेंट में लिखा मैं अमेरिका में था मुझे नहीं मिला है, यह इनका फर्जी सेल डीड है। CTV मिथिला की पूरी टीम के साथ मैं सुनील भाटी विदा लेता हूँ, नमस्कार। वो सबका ख्याल रखती है, हर कदम पे साथ निभाती है, जिंदगी को खुशियों से सजाती है और अपने सपने भी सच करना चाहती है। ये है आज की नारी, सर्वगुण संपन्न, जैसे आनंद भोग आटा, बेहतरीन गेहूं से बना, घर में पिसे आटे जैसा शुद्ध, सेहतमंद और स्वादिष्ट। आनंद भोग आटा है सर्वगुण संपन्न।